नमस्कार, मैं इंदुमती तमान, प्रवक्ता CDDM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। TTC और LRDC के तहत चल रहे ई लर्निंग लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ स्ट्रैंड कॉलर, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलर के बारे में बताऊँगी। कॉलर किसी भी पोशाक में नेकलाइन के चारों तरफ बनाया जाता है। जो भी हमारी पोशाक्स होती है उसके नेकलाइन के चारों तरफ हम कॉलर बनाते हैं। यह चेहरे को प्रभावित करता है। कॉलर द्वारा जिस गारमेंट में हमारे कॉलर नहीं होती और जिस गारमेंट में कॉलर्स होती है वो हमारे पर्सनालिटी और चेहरे को भी प्रभावित करता है। कॉलर द्वारा हम पोशाकों में काफ़ी डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉलर्स चौड़े, नैरो, फ्लैट या हाई भी हो सकते हैं। कॉलर विथ और विदाउट स्टैंड भी हो सकते हैं। विथ और विदाउट स्टैंड से मतलब स्टैंड कॉलर्स भी हो सकते हैं और फ्लैट कॉलर्स और रोल कॉलर भी हो सकते हैं। कॉलर की किनारी राउंड, कर्व, स्क्वायर और पॉइंटेड भी हो सकती है। कॉलर को एम्ब्रॉयडरी, फ्रिल्स या लेसेस लगाकर आकर्षक बनाया जा सकता है। कॉलर की डिज़ाइंस सेलेक्ट करते समय पोशाक की स्टाइल व उद्देश्य देखा जाता है। जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं, जो भी हमारा ड्रेस बनाने का उद्देश्य है, उसमें जो कॉलर हम लगाते हैं उसकी स्टाइल को भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि इस ड्रेस पे कौन सी कॉलर हमें आकर्षक लगेगी या अच्छी लगेगी। इस तरह से मुख्य रूप से कॉलर्स 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट कॉलर, रोल कॉलर और स्टैंड या स्ट्रेट कॉलर। फ्लैट कॉलर यह उस लाइन पर निर्भर करते हैं जिस पर इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। फ्लैट कॉलर को पोशाक के नेकलाइन के शेप में हूबहू काटा जाता है और यह ड्रेसेस में फ्लैट रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीटर पैन कॉलर्स हो जाती है, ये पीटर पैन कॉलर्स है, सेलर कॉलर है, हैंकी कॉलर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं फ्लैट कॉलर के। सेकेंड आता है हमारा रोल कॉलर। रोल कॉलर यह इस कॉलर की ड्राफ्टिंग हल्के से कर्व के द्वारा की जाती है। रोल कॉलर की खूबी यह है कि वह बनने के बाद मुड़ जाता है। इस तरह से रोल कॉलर ये मुड़ जाता है। अब अपना थर्ड है स्टैंड या स्ट्रेट कॉलर। स्टैंड कॉलर यह कॉलर नेक लाइन, जो भी हमारे गारमेंट की नेक लाइन होती है उस पर खड़ा रहता है या स्टैंड रहता है, इसी वजह से इसका नाम स्टैंड कॉलर है। स्टैंड कॉलर के एग्जांपल्स जैसे होते हैं स्टैंड कॉलर होते हैं, शर्ट कॉलर है, मंडेरियन कॉलर है, पोलो कॉलर है। यह हमारे जो गारमेंट्स की जो नेक लाइन से उस पर खड़े रहते हैं। ये आपके फोल्ड हो जाते हैं और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इस तरह से इनके अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा हुआ है, फ्लैट कॉलर जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं अपने नेकलाइन के ऊपर, रोल कॉलर जो नेकलाइन से जुड़ने के बाद फोल्ड हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, स्टैंड कॉलर जो नेकलाइन पे खड़े होते हैं। इस तरह से हम ये 3 टाइप्स की कॉलर्स होती हैं। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैंड कॉलर की। ड्राफ्ट ऑफ स्टैंड कॉलर, सबसे पहले हमने मेजरमेंट्स लिया है। नेक साइज 32 सेंटीमीटर्स, कॉलर डेप्थ हमने लिया 4 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले बेस लाइन या गाइडलाइन हम लोग लेते हैं 0 to 1 हम लेंगे कॉलर डेप्थ, जो कि कॉलर डेप्थ हमने 4 सेंटीमीटर लिए हैं या लेंथ ऑफ कॉलर 0 to 1 हमने ले लिया है कॉलर डेप्थ 4 सेंटीमीटर्स। 1 to 2 हम लेंगे हाफ नेक मेजरमेंट। नेक मेजरमेंट्स हमारा 32 सेंटीमीटर से उसका हाफ हम लेंगे 16 सेंटीमीटर्स हमारा आएगा, तो 1 to 2 हम 16 सेंटीमीटर्स लेंगे। 0 to 3 = 1 to 2 1 to 2 हमने जितना लिया है उतना हम 0 to 3 लेंगे। जॉइन 3 to 2 एंड 0 to 3 विथ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हम इनको जॉइन करेंगे स्ट्रेट लाइन में। 2 to 5 एंड 3 to 4 = 2.5 सेंटीमीटर ऑन द इनसाइड। हमको 2 to 5 और 3 to 4 जो हमने नेक मेजरमेंट लिया है उसके एक्स्ट्रा ना लेके उसके अंदर की तरफ हमको 2.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेना है। 2.5 सेंटीमीटर 2 to 5 एंड 3 to 4 ज्वाइन करेंगे हम 4 to 5 को स्ट्रेट लाइन। 2 to 6 = 0.5
5 सेंटीमीटर टेक इट अपर, 2 to 6 हमको ऊपर की तरफ 0.5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, 0.5 सेंटीमीटर हमको लेना है 2 to 6। जॉइन 5 to 6 विथ स्लाइटली कर्व, इस तरह से जो आपका स्टैंड कॉलर का शेप होता है उस शेप में हमको 5 to 6 इसको जॉइन करना है। 3 to 7 1 सेंटीमीटर, 3 to 7 हमको ये 1 सेंटीमीटर्स लेना है। जॉइन 4, 7 and 6 विथ शेप ऑफ स्टैंड कॉलर, इस तरह से 1 सेंटीमीटर्स का हमको पॉइंट लगाते हुए 4, 7 और 6 को इस तरह से मिलाना है अपने स्टैंड कॉलर के शेप में। और हमारा इस कॉलर में ग्रेन मार्क रहेगा, क्रॉस ग्रेन, ये हम हमेशा ओन फोल्ड में बनाते हैं और हम कपड़े पे भी कर सकते हैं, वो वैसे कट करने का हम लोग बुकरम पे भी इसे कट करके बना सकते हैं, बुकरम से स्टिफनेस आ जाती है। तो इस तरह से ये 2 मेजरमेंट्स लेते हुए हमने ड्राफ्ट कॉलर के आप ये स्टैंड कॉलर की आपकी ड्राफ्टिंग बताई है। ये स्टैंड कॉलर इस तरह से आपके नेक पर खड़ा होता है, इसे दिस इज आल्सो कॉल्ड द रशियन मंडेरियन और चाइनीज कॉलर, इसे चाइनीज कॉलर, मंडेरियन और रशियन कॉलर भी कहा जाता है। थैंक यू।